आज हम कम से कम कपड़े में डबल फ्लेयर स्लीव कटिंग के दो अलग अलग आसान तरीके देखेंगे और हाँ, स्टिचिंग के भी दो अलग तरीके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा पहला तरीका है जो हम न्यूज पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, इससे हमारे कपड़े की बचत होगी। यहां पर मैंने डबल न्यूज पेपर लिया है टू स्लीव के लिए। अब इसे तिकोन में हम फोल्ड करेंगे, जिस तरह से आप देख पा रहे हो ये फुल साइज न्यूज़पेपर है। उसके बाद आप ब्लाउज में लगाना चाहते हो, कुर्ती में लगाना चाहते हो, टॉप में लगाना चाहते हो, जिसमें भी लगाना चाहते हो उस पैटर्न को आपको लेना है। जैसे मैंने अभी ब्लाउज लिया है। अब यहां पर ये शोल्डर की सिलाई है, आप देख पा रहे हो यहां तक हमें नापना है। ये जरूरी नहीं है कि फ्रंट का ही नापना है या फिर बैक का ही नापना है। यहां पर आप कोई भी पैटर्न लो, फ्रंट का लो या फिर बैक का लो। मैंने यहाँ पर बैक साइड का लिया है। जैसे आप देख पा रहे हो सिलाई मार्जिन के साथ हमें नापना है शोल्डर की सिलाई तक। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सीधा पकड़ना है, राउंड नहीं पकड़ना, सीधा रखना है, यानी पूरा इस तरह से खींच के रखना है। और फिर यहाँ पर आप दोनों साइड में मार्किंग कर दीजिएगा। मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम हटा देंगे। अब जो भी मार्किंग है इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब ऊपर के कोने से आप टेप से इसको नापो, तो जैसा कि मेरे केस में आ रहा है 12 इंच, आपका कम ज्यादा हो सकता है, तो इस साइड में भी ये 12 इंच पर ही है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो एक जैसा कर लो। और सेंटर में भी मैंने 12 इंच पर मार्किंग किया है। तीनों मार्किंग हमारे सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए और फिर गोलाई दीजिएगा। फिर से एक बार आप इस तरह से नाप के देखिएगा कि ये आमहोल इस गोलाई में सही से आ रहा है या नहीं। यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है। अगर मुझे कम पड़ता तो मैं ब्लाउज पैटर्न को थोड़ा सा नीचे लेती, और अगर मेरी गोलाई ज्यादा हो रही होती तो मैं ब्लाउज के पैटर्न को थोड़ा ऊपर सरकाती, ताकि ये गोलाई अच्छे से मैच हो जाए। अभी हमें यहाँ पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। आपको अपनी स्लीव की लंबाई तैयार कितनी रखनी है उतनी ही लेनी है। जैसे कि मेरी तैयार अगर 5 इंच है तो मैं बराबर से 5 इंच लूंगी, क्योंकि नीचे की तरफ से मैं तो पीको करने वाली हूँ। अगर आप फोल्ड करने वाले हो तो 5 इंच अधिक आधा इंच एक्स्ट्रा ले। तो इसी तरीके से मैं 5-5 इंच पर मार्किंग करते जा रही हूँ पूरे राउंड में। जो मार्किंग किया है बस उसी के ऊपर गोलाई दे दीजिएगा। ये हमारी मोहरी यानी बॉटम होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो खुली वाली साइड है वहां पर नीचे से यानी के यहां से ऊपर की तरफ 3 इंच छोड़ दीजिएगा। तो बड़ों के लिए आप 3 इंच छोड़ो और बच्चों के लिए 2.5 इंच छोड़ो। तो जैसे मैंने 3 इंच छोड़ा है नीचे से ऊपर और मार्किंग किया है। अब उसी मार्किंग को पकड़ते हुए हम नीचे की तरफ यहां पर मिला देंगे। तो ये हमारी बॉटम यानी मोरी होगी। तो यहां पर ये गोलाई मैंने दे दी है। अब बस इसी के ऊपर हमारा कटिंग होगा। तो ये हमारा बॉटम यानी मोरी वाली साइड कटिंग हो चुकी। अब ये जो ऊपर वाली साइड है ये आर्म होल को जुड़ती है, इसके ऊपर हमें मार्जिन रखना है। लगभग आधा इंच का आप छोड़ सकते हो। तो मैंने आधा इंच ऊपर से इस तरह से गोलाई कर दी और उसी के ऊपर मैं कटिंग करूंगी। जैसे मैंने बताया था नीचे की तरफ तो पीको होगा, लेकिन ऊपर की तरफ हमें मार्जिन लेना जरूरी है। अब ये ब्लाउज में कैसा अटैच होगा या फिर आपके कुर्ती में कैसा अटैच होगा वो देखेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये इस तरह से यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर की साइड आमहोल की साइड है और आप देख सकते हो इस तरह से इसका लुक रहेगा। अभी तो ये पेपर के ऊपर कटिंग हुआ है, अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये वाली साइड शोल्डर की तरफ और ये नीचे की तरफ रहेगी, यानी यहां से हमारी फिटिंग होगी। अब मैं इसको खोल देती हूँ। तो खोलने के बाद ये राउंड शेप में इस तरह से दिखेगी। दो स्लीव्स के लिए दो पैटर्न निकाले हैं। अब इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप डायरेक्टली कपड़े के ऊपर कटिंग करते हो तो आपको कपड़ा कितना ज्यादा लगेगा। तो सेम तरीके से जैसे हमने न्यूज़पेपर को तिकोन में फोल्ड किया था वैसे कपड़े को किया, उसके बाद आमहोल की गोलाई ले ली, उसके बाद जितना हमें लंबी स्लीव चाहिए उतना 5-5 इंच पर मार्किंग करते हुए राउंड बनाया, और फिर उसके बाद यहां से हमने 3 इंच छोड़ा था और गोलाई दे दी थी। तो आप देख सकते हो ये पूरा कपड़े में हमारे सिर्फ 2 स्लीव्स बनेंगे।
लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग करते हो, जैसे हमने अभी अभी किया, तो उसका फायदा देखो, यहाँ पर हम एडजस्ट करके रख सकते हैं और उससे भी कम कपड़े में दो स्लीव्स निकाल सकते हो। तो जैसे देख सकते हो, 21 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई 17 इंच की है, और इसी में हमारे दो स्लीव्स के पैटर्न निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था, डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो ज्यादा कपड़ा लगेगा, यानी ये पूरा कपड़ा लगने वाला था, लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग करने से हमारा देखो कितने कम कपड़े में हो गया। अब हमने ड्रॉ तो कर लिया है कपड़े के ऊपर, पेपर पैटर्न जैसा है वैसा ही ड्रॉ किया है, उसमें कोई मार्जिन वगैरह मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और वही मैंने कटिंग कर दिया। वहां पर हमारे दो स्लीव निकल चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं आपको बताऊंगी। ये वाली साइड आमूल की तरफ जुड़ेगी और ये बॉटम साइड यानी मोहरी होगी, जहां पर हमारा पीको होगा, या फिर आप डबल फोल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देती हूँ, ये हमारी बॉटम साइड यानी मोहरी हो। अब ये तो हो गया फ्लेयर स्लीव यानी अम्ब्रेला स्लीव कटिंग करने का एक तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। अब इस दूसरे तरीके में हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, लेकिन कपड़ा हमें बहुत कम लगेगा। तो यहां पर मैंने फोर फोल्ड में कपड़ा रखा है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे तय करें, तो उसके लिए आप अपने नॉर्मल स्लीव का कटिंग लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा 2 से 2.5 इंच रखना है, जैसे आप देख पा रहे हो चौड़ाई में। और लंबाई में जितनी आपको स्लीव की लंबाई तैयार रखनी है, जैसे मुझे 6 इंच रखनी है, तो उससे एक्स्ट्रा 4 से 4.5 इंच लीजिएगा, जैसे मैंने 4 इंच रखा है। मतलब इसकी पूरी लंबाई यहां पर 10 इंच है फोर फोल्ड में, और चौड़ाई है नॉर्मल स्लीव से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब ऊपर से बच्चों के लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है और बड़ों के लिए 3 इंच पर। तो यहां पर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया है। अब हम यहां पर फिर से हमारे ब्लाउज को लेंगे। आप ब्लाउज में बनाना चाहते हो तो ब्लाउज, कुर्ते में बनाना चाहते हो, टॉप में बनाना चाहते हो तो टॉप लेना है, और उसकी बैक या फ्रंट कोई भी एक साइड पकड़िएगा यहां पर इस तरीके से, और ये मार्जिन के साथ कटेगा। अब आर्म होल राउंड को पूरा स्ट्रेट करके लेना है, जैसे आप देख पा रहे हो, यानी कि आप देख पा रहे हो ब्लाउज का एक नोक उस निशान पर है जहां पर मैंने 3 इंच पे मार्किंग किया था, और दूसरा नोक इस किनारे पे रखा है मैंने, और इस तरीके से ड्रॉइंग कर दिया। इस तरह से गोलाई में नहीं रखना, इस तरह से पूरा खींच के रखना है, और फिर आपका मार्किंग रहेगा। मार्किंग करने के बाद इसको निकाल दीजिएगा, और यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से ये मैं डार्क कर देती हूँ। नीचे की तरफ आपकी स्लीव की लंबाई डालनी है, जैसे कि मेरी तैयार अगर 5.5 इंच है तो 1/2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि आर्म होल जोड़ने में, आर्म होल की गोलाई जोड़ने में 1/2 इंच लगेगा। तो 6 इंच पर मैंने मार्किंग किया, और फिर मैंने यहाँ पर पिंस लगा लिए, क्योंकि यह जॉर्जेट का कपड़ा था जो फिसल रहा था। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमने 3 इंच लिया था, तो यहां पर भी आपको 3 इंच रखना है। अगर आपने बच्चों के लिए ऊपर की तरफ 2.5 इंच छोड़ा है तो 2.5 इंच पर आपको पकड़ना है, लेकिन हमने तो 3 इंच पे छोड़ा है, इसलिए मैंने 3 इंच पे पकड़ा और यहाँ 6 इंच पे पकड़ा, क्योंकि वो स्लीव की लंबाई है। और इसको मैंने इस तरफ तिरछे में रख दिया है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, 3 से 6 इंच तक मैंने लाइन बना दी। तो ये हो गया हमारा निशान, इस तरीके से आपको भी करना है। और फिर ये जब लाइन बन जाती है तो उस लाइन तक, तो ये लाइन 3 इंच बनेगी, क्योंकि पूरी लंबाई 6 इंच थी, उसमें से 3 इंच निकाल दिया तो 3 इंच बचता है। तो इस तरह से ये लाइन बना दी, और फिर इस गोलाई को यहां पर कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। अब यहां पर आप देखो ये 6 इंच है, तो थोड़ा सा आगे जाके और 6 इंच पर मार्क करेंगे, लगभग 3 इंच पर जाके, और फिर गोलाई को मैं यहां पर थोड़ा सा सुधार देती हूँ इस तरीके से। तो गोलाई थोड़ी बहुत इधर इधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे नीचे की गोलाई हो गई। अब ये देखो, ये पहला पैटर्न है जो हमने पेपर के ऊपर कटिंग करके फिर कपड़े के ऊपर कटिंग किया था, वो मैंने लिया है। तो आप देख सकते हो आमूल की गोलाई एकदम दोनों की बराबर है, क्योंकि दोनों का ब्लाउज सेम था। पर बस ये नीचे वाली जो स्लीव है वो लंबाई में थोड़ी ज्यादा है, बाकी दोनों का आर्म होल सेम है, शेप दोनों का सेम है। तरीके भले ही दोनों अलग अलग हो, लेकिन दोनों का शेप एक जैसे निकल आया है। ठीक, तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा पिको करेंगे हम, क्योंकि वो बॉटम राउंड है।
अब मैंने ब्लाउज लिया है, अब मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से ये लगेगी। यहाँ पर आप इस तरीके से सिंगल अम्ब्रेला स्लीव्स भी लगा सकते हो, काफी सुंदर लगती है। लेकिन हमारा यहाँ पर दो तरीके से कटिंग हो ही चुका है दो कपड़ों के ऊपर, तो हम डबल फ्रिल बनाएंगे। जैसे आपने देखा, भले ही मेरे तरीके दो अलग अलग है, लेकिन दोनों में सेम पैटर्न निकल के आया है। तो जो आपको सही लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, उस तरीके से आप अपने लिए फ्लेयर स्लीव्स बना सकते हो, चाहे वो सिंगल हो या फिर डबल हो। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो इसका बॉटम राउंड है, यहाँ पर हम पिको करके लेंगे। आप चाहो तो डबल फोल्ड भी कर सकते हो। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हम डबल फ्रिल स्लीव बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल फ्रिल स्लीव भी लगा सकते हो, वो भी सुंदर लगती है। तो बस ध्यान इस चीज का रखिए कि पिको वाली साइड कौन सी है और आर्म होल वाली कौन सी है। तो बस मैं यहाँ पर पिको करके ले रही हूँ। अगर आपके पास पिको का ऑप्शन नहीं है तो आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पिको किया है, तो ये तो हो गया। अब सेम तरीके से इस वाले पैटर्न में भी मैं पिको करके लूंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कटिंग के दो अलग अलग तरीके बताए हैं, वैसे ही मैं आपको सिलाई के यानी स्टिचिंग के भी दो अलग अलग तरीके बताऊंगी। क्योंकि कई लोगों को अम्ब्रेला स्लीव्स पहनना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ी सी खुली खुली टाइप की होती है, तो उनके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है अम्ब्रेला स्लीव्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों में मैंने पिको करके ले लिया है। अब इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगी, और यहाँ पर जो आमहोल वाली साइड है यानी ऊपर की, यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है और फिर सिलाई लगानी है। अगर आपको लगता है कि दोनों में से एक पैटर्न थोड़ा ज्यादा हो रहा है और एक कम पड़ रहा है, तो जो ज्यादा हो रहा है उसको आप प्लीट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों को मैंने अटैच कर दिया है और बीच में फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर निकाला है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, इस स्लीव का आगे का और पीछे का दोनों हिस्सा बिल्कुल सेम है, यानी बैक के अकॉर्डिंग ही हमने आगे और पीछे का आर्म होल राउंड कटिंग किया है। लेकिन ब्लाउज कुर्ती में तो ऐसा नहीं होता, उसका आगे का अलग रहेगा और पीछे का अलग रहेगा। लेकिन फिर भी स्लीव का हम अलग अलग नहीं काटेंगे, दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। बस जोड़ते टाइम इसे सेंटर से हमें जोड़ना शुरू करना है। ये आधा हिस्सा मैंने जोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो हम अटैच करेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से लिया और यहाँ से शुरू किया। तो ये अटैच हो चुकी है, और अटैच हो जाने के बाद इसका लुक आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसका फिटिंग भी हमारे नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही होगा। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इसको रख दिया है, फ्रंट और बैक, और स्लीव को भी मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखूंगी, बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए, और जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना पकड़ते हुए मैं यहाँ पर फिटिंग करूंगी। तो ये आप देख सकते हो बराबर से एक दूसरे के ऊपर आ गया है, ठीक। अब यहां से मैं इसका फिटिंग करूंगी। तो फिटिंग का मार्किंग जैसे 1 इंच छोड़ा है, 1.5 इंच छोड़ा है, जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है उसी हिसाब से यहाँ पर ये फिटिंग होगा। और बस मैंने यहाँ पर फिटिंग कर दिया। तो अब मैं इसको सीधे में लेती हूँ और इसका लुक दिखाती हूँ। ये काफी सुंदर लगती है और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। तो ये आप देख सकते हो डबल में इसका लुक बहुत अच्छा आया है। अब जैसे मैंने बताया था, स्टिचिंग के भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। तो एक तो हो गया, दूसरा तरीका देखेंगे। इस दूसरे तरीके में मैं बस सिंगल अम्ब्रेला ज्वाइन कर रही हूँ, और कई लोग इस तरह के सिंगल पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि उनको खुला खुला लगता है। तो उनके लिए आप इस तरह से शॉर्ट स्लीव कटिंग करके लीजिए। जितने आपके अम्ब्रेला स्लीव की लंबाई है, जैसे मेरी 5 इंच है, तो शॉर्ट स्लीव की लंबाई आप 4 से 4.5 इंच रखिए, मतलब उस पैटर्न से आधा से 1 इंच कम रखिए। अब इस स्लीव को मैंने इस तरह से बॉटम का फिनिशिंग करके लिया है, और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। उसके पहले मैं यहाँ पर सेंटर मार्क करूंगी, और ये सेंटर मार्क रहेगा, और स्लीव का भी सेंटर मार्क कर दीजिएगा। और हाँ, जो शॉर्ट स्लीव बनाई है उसका फ्रंट और बैक अलग अलग से काटना है, जैसे आप नॉर्मली काटते हो, लेकिन अम्ब्रेला स्लीव का दोनों का सेम रहेगा। तो बस अम्ब्रेला स्लीव का फ्रंट और बैक दोनों सेम रहेगा, और नॉर्मल स्लीव जो हमने नीचे की तरफ लगाई है उसका फ्रंट और बैक अलग अलग रहेगा, जैसे हम नॉर्मली कट करते हैं। अब बस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने सिलाई कर दी है। तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं रहते सिर्फ सिंगल अम्ब्रेला या फिर सिर्फ डबल अम्ब्रेला पहनने में,
उनके लिए आप अंदर की तरफ इस तरह की छोटी स्लीव लगा सकते हो। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट का मार्किंग मैंने कर दिया है, बस सेंटर से हम शुरू करेंगे। बैक को बैक अटैच होगा और फ्रंट को फ्रंट, जैसे आप देख पा रहे हो, क्योंकि शॉर्ट स्लीव्स में तो हम बैक और फ्रंट अलग अलग कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले फ्रंट को अटैच किया और फिर बचा हुआ आधा हिस्सा जो बैक साइड है उसे हम अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने सिंगल अम्ब्रेला स्लीव में ये शॉर्ट स्लीव लगाई है अंदर की तरफ। सेम तरीके से आप डबल फ्लेयर्ड स्लीव में भी लगा सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना रहेगा कि वो आर्महोल के साइड की तरफ, सिलाई की तरफ थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो डबल फ्लेयर्ड स्लीव में भी इस तरह की शॉर्ट स्लीव आप अटैच कर सकते हो सेम तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सिंगल में लगा के दिखाया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लेडीज होती हैं जिनको पहनना तो काफी पसंद है लेकिन वो उतना खुला खुला कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तो उनके लिए आप इस तरीके से छोटी स्लीव अंदर की तरफ लगा सकते हो। तो ये देखिए फिटिंग भी हो गया और दोनों का लुक भी आप देख सकते हो। ये अंदर की तरफ शॉर्ट स्लीव रहेगी, जो कंफर्टेबल नहीं महसूस करते उनके लिए आप लगा सकते हो। ये इस तरह से रहेगा, जिस तरीके से सिंगल अम्ब्रेला में लगाया है सेम तरीके से आप डबल अम्ब्रेला में भी लगा सकते हो। इस साइड में ये सिर्फ डबल फ्लेयर स्लीव है, इसमें मैंने शॉर्ट स्लीव नहीं अटैच की है। इसे आपने कटिंग के भी दो अलग अलग तरीके देखे, वैसे ही आपने स्टिचिंग के भी दो अलग अलग तरीके देखे। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा मुझे जरूर बताना। और पहनने के बाद इसका लुक मैं आपको दिखाऊंगी। ये रही हमारी डबल फ्री स्लीव जो काफी सुंदर लग रही है, ट्रेंड में भी है, जरूर ट्राई करें। और ये है सिंगल लेयर स्लीव। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड में अलग और दूसरे साइड में अलग रखूंगी, यहाँ पर बस मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों में अलग अलग अटैच किए हैं, बाद में मैं दोनों में एक जैसे ही लगाऊंगी। कैसा लगा वीडियो मुझे बताना जरूर, कोई डाउट्स है तो जरूर पूछना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।